नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। आने वाली 8 तारीख यानी 8 नवंबर को एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, या यूं कहें कि देव उठनी 11 से, और इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं, उसी दिन से उन माता पिताओं या कहें उन पेरेंट्स की नींद उड़ जाती है जिनके बच्चे शादी के योग्य हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनके बच्चों की उम्र शादी की हो गई है और वो उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज ऐसे उपाय की बात करेंगे जिनके करने से आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। मतलब ये ऐसे उपाय हैं जो कभी भी खाली नहीं जाते हैं। अगर आपने इन उपाय को बताए हुए तरीके से कर लिया तो 100% वर्किंग है, ये कभी भी खाली नहीं जाते हैं। और इसको अगर 11 के दिन किया जाए यानी कि जो आने वाली 11 से देवउठनी 11, उसको वृंदा विवाह या तुलसी विवाह भी उस दिन होता है, या भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी उस दिन होता है, अगर उस दिन इस उपाय को किया जाए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वो उपाय क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले लड़के की शादी की। अगर आपका बच्चा या आप खुद शादी की उम्र हो गई है फिर भी आपकी शादी नहीं हो पा रही, और चाहे बजे कुछ भी हो, चाहे मंगल 1 बजे हो या कुछ भी, घर की स्थिति ऐसी हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन किसी भी कारण से आपका विवाह नहीं हो पा रहा, कुछ न कुछ अड़चन आ रही है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय क्या है? आने वाली जो 11 से यानी कि देवउठनी 11 से, उस दिन आप तुलसी जी का विवाह कीजिए। तुलसी जी का विवाह शालग्राम जी से होता है। तो तुलसी एक पौधा है आपको, जैसे आप जानते हैं, और शालग्राम जी भगवान विष्णु का रूप है, तो इनका विवाह इस दिन किया जाता है। और अगर इस विवाह को आप विधि पूर्वक संपन्न करते हैं, आप एक योग्य पंडित को बुलाकर पंडित के द्वारा इस विवाह को करवाइए, अगर इस विवाह को आप विधि पूर्वक संपन्न करते हैं तो बहुत ही जल्द, मतलब अगली 11 नहीं आएगी, इसके पहले पहले आपका विवाह या आपके बच्चे का विवाह संपन्न हो जाएगा। ये गारंटी है इस बात की, तो आप जरूर करिए। चलिए अब बात हम करते हैं लड़की की विवाह की। अगर आपकी उम्र हो गई है, शादी के योग्य आपकी उम्र है, या आपके बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी की उम्र तो हो गई है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत जतन करने के बाद भी आपकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत से लड़के आपने देखे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ भी या आपकी आपकी लड़की के साथ भी, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय बहुत ही सिंपल है। पहला उपाय है कुंभ विवाह। कुंभ मतलब होता है घड़ा, यानी आपको अपनी बच्ची की शादी या आपको अपनी शादी, अगर आप एक लड़की हैं, तो कुंभ यानी घड़े के साथ करना है। अब वो घड़े के साथ कैसे करना है वो आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है। आप किसी योग्य पंडित से कुंभ विवाह करवाइए तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा और बहुत ही जल्दी आपकी शादी पक्की हो जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। दूसरा उपाय है पीपल से विवाह। अब आपको लगेगा यार, पीपल से कोई विवाह होता है क्या, घड़े से भी कोई विवाह होता है क्या, लेकिन ये है, ये नियम है, हमारे शास्त्रों में दिए हैं, और शास्त्रों में जो भी चीज़ दे रखी है वो व्यर्थ नहीं है, वो निरर्थक नहीं है। तो अगर आप पीपल से विवाह करते हैं, और इसके लिए भी आपको योग्य पंडित की जरूरत होगी, आप उन पंडित से कहिए कि मुझे हमारी बेटी का या मुझे खुद का, यानी कि आप एक अगर लड़की हैं तो आप मेरा विवाह पीपल से करवाइए। वो सही विधि से, अगर वो योग्य पंडित है तो सही विधि से पीपल से आपका विवाह करवाएगा, जिसके फल से आपको एक योग्य वर मिलेगा और आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो ये थे बहुत ही छोटे, बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक, कारगर और 100% वर्किंग उपाय। अगर आप इन दोनों उपाय में से कोई सा भी उपाय करते हो तो आपकी शादी निश्चित तौर पर हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।